आज़ादी है ये हमारी अछून बना रहे, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए 1855 जिस प्रकार से सिंधु कानून चांद भैरव और फूलो जानों के नेतृत्व हजारों लोगों ने शहीद हुए, बलिदान हुए और उसके परिणाम स्वरूप आज संथाल परगना भी बना और एसओटी एक्ट भी लागू। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है क्या संथाल परगना आज संथाल परगना के ऊपर ही एक अस्तित्व बचाने की एक बड़ी संकट और समस्या एक खड़ा हुआ। तो मैं जरूर कहूँगा कि आज के तारीख में हम सबको ये विचार करना चाहिए कि भाई संथाल परगना में भिन्न भिन्न प्रकार से अगर आज़ाद भारत में हम 75 वर्ष पूरा किए, अगर आज़ाद भारत की हम लेते हैं 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हुआ है तो ये आबादी लगातार हमारे यहाँ घटती चली गई। अब ये चिंता का विषय है। अगर आप देखें 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 44% थी, 44.67% थी, लेकिन आज 2011 में आकर के ये जो पॉपुलेशन है 28.11% आकर के, और उसी प्रकार से अगर बाकी की पॉपुलेशन देखेंगे तो अन्य पॉपुलेशन उस समय 45% थी, वो आज 49 है, करीब करीब वो स्टैटिक सी है अलग अलग, लेकिन उसमें से एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां वो 9% उस समय थी, आज के तारीख में 22.73% है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती चली गई और आदिवासियों की जनसंख्या घटती चली गई तो आने वाला 25 साल यानी आज़ादी का जब हम 100 साल के जश्न मनाएंगे और सिंधु कानून आंदोलन का लगभग 200 साल पूरा होने को होगा, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो उस समय से संथाल परगना में संथालों का आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त होते दिख रही है। और इसलिए आज के दिन मैं सरकार से ज़रूर मांग करूँगा कि भाई आप राज्य सरकार को एक एसआईटी गठित करके और इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए, ताकि ये अलार्मिंग सिचुएशन साहेबगंज पाकुड़ जैसे ज़िला में तो स्थिति और ही बद से बदतर है। साहेबगंज में तो स्थिति यह है कि आज वहाँ आदिवासी की संख्या कम हो गई। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आज के तारीख, क्योंकि सिंधु कानू चांद भैरव देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़े थे और साथ ही उनकी लड़ाई का ही परिणाम था कि संथाल परगना भी बना और यहाँ लोग बचे उसके लिए एसपीटी एक्ट भी बना। आज सब कुछ मौजूद है लेकिन धीरे धीरे ये जो जनसंख्या का जो वृद्धि है वो दिख रहा है कि अब अस्तित्व समाप्त होते दिख रहा है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी सरकार को गठित करनी चाहिए। वजह तो जब तक उसकी जांच नहीं होगी एकदम जमीनी स्तर पर तब तक ये पता नहीं चल सकता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग इसकी फ़ोटो ले सकते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग इसका विश्लेषण करिए, क्योंकि आज के दिन न्याय जरूरी। अच्छा, अरे आप नीचे आ जा रहा ना भाई, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है, सेंसस की जो रिपोर्ट है। अगर वो सेंसस की रिपोर्ट है कोई हम अपने से कोई बीजेपी ने नहीं बनाई, ये सेंसस की रिपोर्ट।